आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। देखते हैं इस वक्त आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपसे अलग होकर खुश हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है या फिर जिस भी राशि से वो हैं उस राशि का नाम लीजिए, उनका पूरा नाम अपने मन में दोहराइए और हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। धीरे धीरे आपके इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती जा रही है। आप ना बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कभी तो होगा, कभी तो होगा, कभी तो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, कभी तो इनकी तरफ से कोई बातचीत होगी, कभी तो थोड़ा बेटर फील करोगे। आपके मन में ये चीज़ भी बार बार आती है, कभी तो मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा या नहीं, ये सिर्फ इंतज़ार ही रह जाएगा। देखिए आपके मन में ना इस वक्त दो चीज़ें चल रही है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। पहली चीज़ ये, आप इंतज़ार करने के लिए भी रेडी हो, ठीक है, आप बहुत पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हो। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इंतज़ार करते करते ये सोच रहे हो कि कहीं अगर आपके पर्सन आपके पास आए नहीं और उन्होंने कुछ बदलाव दिखाए नहीं, अगर वो सुधरे नहीं आपके जो पर्सन है और वो इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा और वो कभी आए ही ना वापस मुड़ के, तो ये जो टाइम सारा है ना जिसमें आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, कहीं वो टाइम वेस्ट ना हो जाए। ये चीज़ आपके मन में आ रही है, काफ़ी बार आ रही है। इसीलिए आपको देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुश भी हो एक तरीके से अपनी लाइफ को दोबारा से कंट्रोल करके, क्योंकि आपको भी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा होगा कि सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, आप अपनी मर्जी का कर सकते हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, लेकिन इसी दौरान आप पर्सन को मिस भी करते हो। अब आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देखी जाए तो आपसे बिल्कुल अलग है, इनकी हटके करंट एनर्जी है। जहाँ आप अपनी सिंगलहुड से खुश हो ना, शुरू शुरू में आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा था, दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अब उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी पड़ेगी, बात बात पे चीज़ों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उनके मन में आ रही थी पहले पहले तो। पर अब ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अब ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ को ये वैसे इंजॉय नहीं करते हैं जैसे इनको लग रहा था कि बहुत चांदी चांदी होगी एक बार सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। अगर आपके पर्सन मेल है फीमेल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक चीज़ को मैं बता रही हूँ, एक चीज़ के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब इनको अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, इनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है, इनको ऐसा लगता है कि काश इन्होंने आपको रोक लिया होता, इस चीज़ का रिग्रेट होता है इनको, सच में इनको ऐसा लगता है कि काश इन्होंने वक्त रहते आपको मतलब अपना बना लिया होता, काश इन्होंने आपको ये बोल दिया होता कि ये आपको चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का रिग्रेट होता है। मतलब इंसान को प्यार फील हो रहा है, ठीक है, इंसान को सब कुछ, पर फिर भी इंसान चुप हो जाता है उस टाइम पे, ईगो बहुत ज़्यादा होती है। मैं देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन के झूठ बोलने की आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो और कहीं और किसी की बातों को सुनकर आना, अप्लाई करना, जो चीज़ खुद को पता है उस पर स्टिक करें ना, यह जो पर्सन है ना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे। आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या चीज़ करते हो,
क्या आपके दिमाग में चलता है? सारी चीजें आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, इनफैक्ट अब आपकी जो चुप्पी है ना उसको भी ये पर्सन बहुत नोटिस कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं आप किस तरीके से बदल गए हो। पहले ऐसा होता था कि कुछ भी होता था आप तुरंत भाग के आते थे, आपको ऐसा लगता था कि नहीं 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 इस चीज़ को यहीं पे ही सॉल्व किया जाए, पर अब इनको बेचैनी इतनी हो रही है, इनको ऐसा लगता है आप बदल गए हो। और आप पहले की तरह सॉल्व नहीं करने आते चीज़ों को, पहले की तरह कुछ बोल नहीं रहे हो। देख रहे हैं धीरे धीरे आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ रही है, और इनको पता है आपसे जब बात नहीं हो पा रही इनको ऐसा लग रहा हो सकता है कि पर्सन का ईगो हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गया हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको ध्यान में आती रहती है, याद आती रहती है, चाहकर भी ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, बस यही आशा करते हैं कि पास्ट में जाएं, चीज़ों को चेंज कर दें, है ना। तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ हाथ में थी ना, जो चीज़ कंट्रोल में थी, उस चीज़ को ये कर सकते थे, पर वो करे किया नहीं इन्होंने। बुरा लगता है, वो टाइम वापस आ जाए, पर रियलिटी ये है कि वो टाइम वापस नहीं आएगा। रियलिटी ये है कि अब जो भी टाइम है वो प्रेजेंट में है, कोई चीज़ सही करनी है तो प्रेजेंट में सही करनी होगी। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते की। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने अपने आप को दुख पहुंचा लिया, आपको भला बुरा तो बोल दिया पर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा लिया अपने आप को ऐसा बोल के। इस चीज़ का इन पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है, बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ठीक है, आपको नाराज तो किया ही है, अपना प्यार भी इन्होंने खोया है। बहुत सारी चीज़ों में इनका लॉस हुआ है, खुद लॉस्ट से फील करें। एटलीस्ट मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद आप सीचे सोच रहे हो, है ना। आप एटलीस्ट खुद आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो, मिस कर रहे हो पर अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, है ना। पर उस तरफ क्या है, ये रह नहीं पा रहे आपके बिना। उस तरफ क्या है, इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, अपने डिसीजन को खुद रिग्रेट कर रहे हैं। उस तरफ क्या है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा, अपने किए पे ही बहुत ज़्यादा पछतावा है। ठीक है ना, तो ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत लोनली हो गए हैं, बहुत लोनली हो गए हैं। लग नहीं रहा कि ये पर्सन आपसे हमेशा के लिए सेपरेशन लेंगे, लग नहीं रहा कि ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे, या फिर ये मान लीजिए कि हमेशा के लिए बस आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। नहीं, रीयूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है, श्योरली लिखा हुआ है। कुछ भी कर लीजिए, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेंज होंगी, ज़रूर होंगी, और ये चेंज भी नज़र आ रहा है इस पर्सन की तरफ से।
डेफिनेटली नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे डिले ज़रूर हुआ है पर कम्युनिकेशन एंड नहीं होगा यहाँ पे, ये मान लो ठीक है। और अगर ये पर्सन अभी दूसरों से ओपिनियन ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी है कि इस बार बातचीत करने को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। जी हाँ, चाहेंगे नहीं कि अपनी टेम्प्रेरी एनर्जी की वजह से एक परमानेंट रिश्ता रुक जाए या फिर इस मतलब एक परमानेंट रिश्ता सफ़र करे, ऐसा ये चाहेंगे नहीं। कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और अगर उसमें आपका साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। आपका साथ अगर मिल जाए फिर तो क्या ही कहने, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो पर्सन हैं इस बार बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के लिए साथ आ रहे हैं। इनको अपना गोल क्लियर है, अपना पार्टनर क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थर्ड पार्टी के चक्कर में ये आपको कभी भी खोएंगे नहीं, ठीक है। चीज़ें आती जाती रहेंगी इनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत टाइम तक मैं देख रही हूँ, यहाँ पे आपने वेट किया है, बहुत टाइम तक आपने इस पर्सन का इंतज़ार किया है, पर ये इंतज़ार की घड़ियाँ आखिरकार ख़त्म होने जा रही है। ख़त्म होने का समय आ गया है। अब आप देखना किस तरीके से ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देते हैं, ठीक है। जो स्टक एनर्जी थी वो अभी भी स्टक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपको सिग्नल मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, या फिर आप इनका सोशल मीडिया चेक करते रहना, वहाँ से आपको ना इनके इमोशंस के बारे में पता ज़रूर चलेगा। वहाँ से आप जानोगे कि ये पर्सन किस मूड में है, ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। जैसे इंसान कभी कभी डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो इनडायरेक्टली ज़रूर अपने इमोशंस को जता देता है, बता देता है, बयान कर देता है, वैसे ही ये पर्सन ना जो अपने आसपास वालों को धीरे धीरे हिंट दे रहे हैं। देखिए वैसे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, प्राइवेट है, खुलकर अपने इमोशंस के बारे में किसी को बताते नहीं, पर कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव बन रहे हैं। कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि बहुत, ओ माय गुडनेस, चीज़ों को आगे लेना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को ऑफिशियल करना चाहते हैं अभी ये पर्सन। देखिए धीरे धीरे पिघलते हुए आपकी ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपका रिश्ता चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है अब चीज़ें पहली बार हो रही हैं, पर आप बहुत तड़पे हो, बहुत जले हो इस आग में, बहुत काफ़ी सारा वेट है आपकी तरफ से, है ना। इस इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कभी वो आपको एग्जैक्टली पढ़ ही नहीं पाए, वो आपको समझ ही नहीं पाए कि आप क्या चाहते हो। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।